बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था दैट देयर आर टू वेज ऑफ नेविगेशन, एक था डेड रेकनिंग और दूसरा ट्रेल लेइंग। थर्ड वे, थर्ड मेथड फॉर नेविगेशन एनिमल इज यूजुअली द यूज ऑफ लैंडमार्क्स। इन रियलिटी ऑफ कोर्स इट इज हाईली अनलाइकली दैट एन एनवायरनमेंट विल कंटेन अ सिंगल लैंडमार्क। यूजुअली एनवायरनमेंट में एक से ज्यादा जो है वो सिंबल्स, एक से ज्यादा आप कह लें हिंट्स हो सकते हैं किसी एनिमल के लिए, जिसको कोई एनिमल अपना पाथवे या अपना नेस्ट या अपनी प्लेस ऑफ लिविंग को रिकग्नाइज करने के लिए यूज कर सकता है। सो द पॉसिबिलिटी मस्ट एग्जिस्ट फॉर एनिमल टू यूज इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम एन एरे फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ सेवरल लैंडमार्क्स साइमल्टेनियसली। एक से ज्यादा निशानियां, एक से ज्यादा हिंट्स कोई एनिमल यूज कर सकता है टू फाइंड आउट इट्स पाथवे टूवर्ड्स होम। मैशिया स्पेस, ये राइट साइड पे पिक्चर बनी है इनकी, एंड हर co-workers at the University of Alberta, Canada. They have carried out a number of experiments designed to increase our understanding of the ways in which a range of species might use this kind of information. कि जैसे famous example आपने pigeon की पढ़ी हुई है या दूसरे बहुत से animals बड़ा accurately वापस अपने nest का या अपना जो pathway होता है back to the home उसको find out करते हैं। तो इसमें ये एक experiment यहाँ पर mention किया गया। In what set of experiments, individuals were trained to search for a goal, a position on a touch screen that had fixed coordinates with respect to an array of the four on-screen objects and was the same distance from each of them. The right side पे आपको picture एक नजर आ रही होगी, एक diagram से. The performance of humans and pigeons during expansion array testing. कि objects को अगर expand कर दिया जाए तो वो किस तरह अपने जो नेविगेशन है उसको यूजफुल बनाएंगे। ड्यूरिंग टेस्ट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स वर अल्टर्ड चेंज्ड एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एरे वर इंक्रीज्ड। जैसा कि फर्स्ट डायग्राम में ये जो गोल पॉइंट है इसमें एक बना हुआ है कि यह है जी आपके पास सेंट्रल पॉइंट जिसमें पिजन और ह्यूमन और सात जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिस्टेंस इधर कम है सेंट्रल पॉइंट से और सेकेंड डायग्राम में उसी डिस्टेंस को बेटा इंक्रीज किया गया। इससे क्या ऑब्जर्व किया गया था, दैट रिजल्ट्स शोड दैट ह्यूमंस यूज इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द एरे टू बोथ आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द फोर लैंडमार्क्स एंड टू आइडेंटिफाई द सर्च एरिया। के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिफरेंट लैंडमार्क्स को रिकग्नाइज भी करेंगे और उनकी पोजिशन को भी डिटर्मन करेंगे सर्च एरिया के अंदर। By doing so, they correctly search for their goal at a position which is equal at equal distance from the location of each of the objects in the sequence without taking into account the identities of those objects. कि जो goal point है, जो उसमें searching point था, जो searching mark था, उसको आसानी से identify कर लेंगे। लेकिन pigeons के हवाले से क्या चीज आती है, that pigeons they can also identify the goal in this test object. But on the other hand, they do not appear to use configurational information the same way. कि जैसे human ने objects की shape को configuration को consider किया, pigeons इस तरह से use नहीं करते। जैसे previous diagram को इन्होंने mention किया that do search pigeons they do search an area that is at the right direction from the position of one of the object. आप देख रहे हैं यहाँ पे objects की position तो change हुई है, साथ साथ जो है वो पिजन्स ने जो गोल फाइंड आउट किया है या पिजन ने जो पॉइंट फाइंड आउट किया है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को तो वो देख रहे हैं लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन को इतना कंसीडर नहीं कर रहे शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को। एंड सो दे डू अपीयर टू यूज कॉन्फ़िगरेशनल इंफॉर्मेशन रादर देन ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी टू सॉल्व दिस कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम। बट टू सॉल्व द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम वेयर टू एक्चुअली सर्च दे डू नॉट। जब उन ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस और उनकी जो पोजिशन से चेंज की गई तो वो पिजन्स के लिए कंफ्यूजिंग था। दे फेल टू टेक इन टू अकाउंट द एक्सपेंशन ऑफ द एरे एंड अपीयर टू हैव लर्न्ड दैट द गोल इज फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम एन कंपोनेंट ऑफ द एरे रादर देन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। कि ह्यूमन ने तो इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि जो गोल होगा वो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे होगा लेकिन पिजन्स जो है वो डायरेक्शन उसकी जो सीक्वेंस थी उसकी वजह उसके चेंज होने की वजह से कंफ्यूज हो गया और वो इस प्रॉपर गोल को फाइंड आउट नहीं कर सके। इन सिमिलर टेस्ट
Gerbils use the information provided by the environment in a manner more similar to birds than to human. ये एक आप कह लें कि मैमल की टाइप है, रोडेंट है एक जर्बल्स, राइट साइड पे पिक्चर में शोन है, ये भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये भी ऑलमोस्ट पोजीशंस को रिलेट करने के बजाय उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनके स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं और उसको लैंडमार्क के तौर पे यूज करेंगे कि किस तरह का ऑब्जेक्ट इनके नेस्ट, इनके गोल, इनके जो है वो एक स्पेसिफिक साइट पे मौजूद है, उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए ये अंदाजा लगाएंगे। और हनी बीज के बारे में बात की गई, ऑन द अदर हैंड डू इनिशियली अपीयर टू सॉल्व सच लैंडमार्क फाइंडिंग्स प्रॉब्लम्स एंड सो एट फर्स्ट इंप्रेशन माइट बी थॉट टू बी प्रोसेसिंग स्पेशल इंफॉर्मेशन इन अ मैनर सिमिलर टू ह्यूमंस। जैसे ह्यूमन इस प्रीवियस एक्सपेंशन टेस्ट में उनकी जो स्पेशल एक्सपेंशन थी उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो चेंज आई थी उसको भी देखा। फ्लाइज भी जो है वो बता रहे हैं दे यूज देयर लैंडमार्क्स सिमिलर टू द ह्यूमंस। बट क्लोजर इंस्पेक्शन ऑफ द डेटा सजेस्ट दैट द इंसेक्ट्स डू नॉट इनफैक्ट यूज कॉन्फ़िगरेशनल इंफॉर्मेशन, कि इंसेक्ट उनकी शेप की इंफॉर्मेशन को ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते। रादर इट वुड अपीयर दैट दे ट्रीट ईच ऑब्जेक्ट इन द सीक्वेंस एज बीइंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स, कि हर ऑब्जेक्ट को वो इंडिपेंडेंटली डील करते हैं। इस तरह से ह्यूमन कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस क्या है, शायद वो इतना एक्यूरेटली इसको डिड्यूस या कंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट जो है वो द एबिलिटी टू यूज द लैंडमार्क्स, ये हनी बीज के हवाले से भी इस पिक्चर में जो है वो शो की गई है कि वो अपने नेक्टर फाइंडिंग एरियाज को या स्पेसिफिक जो आप कह लें कि उनका जो हाइव है उसकी प्लेस को आसानी से डिफरेंट लैंडमार्क्स या जो पोजीशंस है उनके सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स की, उनको देखते हुए अपने टारगेट एरिया, अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इन केस ऑफ यूज ऑफ कॉग्निटिव मैप्स और थिंकिंग, अपने जो इंटरनल कॉग्निशन है, थॉट है, उसको यूज करते हुए अगर एनिमल्स की हम बात करें तो भी एनिमल्स नेविगेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू डिफाइन वेरियस लोकेशन विद इन इट्स एनवायरमेंट एंड देन इंटीग्रेट दिस इंफॉर्मेशन इज द बेस ऑफ द कॉग्निटिव मैप, कि पहले डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की पोजिशन को याद कर लेना और फिर उसी की बेस पे अगर सॉर्ट आउट करना पड़े उस प्लेटफॉर्म को, उस ऑब्जेक्ट को, उन चीजों को, तो वो ऑर्गेनिज्म सर्च करे अपनी कॉग्निशन, अपनी थॉट को यूज करते हुए। जैसा कि हमने कुछ डेड रेकनिंग में भी इस तरह की बात की थी कि एनिमल्स अपनी रफ एस्टिमेशन एक लगाते हैं, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, एनिमल्स दैट हैव अ कॉग्निटिव मैप आर एबल टू प्लॉट रूट्स थ्रू देयर सराउंडिंग्स बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव स्टोर्ड इन द मैप, एक मैप उनके माइंड में एडजस्टेड है उसको यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल रेट्स कैन बी ट्रेन टू स्विम थ्रू ओपेक वाटर to the safety of a platform that is invisible to them because its surface is fractionally below that of the water. जो पाथ मैंने पहले ऑब्जर्व किया हुआ है तो बड़ी आसानी से उस ओपेक वाटर में भी आसानी से उसमें पहुंच सकते हैं नॉर्मल माउस जो है, ये जैसे राइट साइड पे पिक्चर में नजर आ रहा है। In an experiment involving one of these water mazes that rat is always placed into the water at the same location during training and it will quickly learn to swim a very direct route to the platform, जैसे राइट साइड पे नजर आ रहा है। लेकिन ये एक अल्जाइमर माउस को शो किया गया that is the problem in its building memory, तो उसको मैप बिल्डिंग में भी प्रॉब्लम पेश आएगी, मैप जो है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा, तो हिडन प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई करना उसके लिए इतना राइट या इतना जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो ट्रेन ग्रेड्स हैं वो बड़ी आसानी से अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, देन ड्यूरिंग टेस्टिंग वन ऑफ टू पैरामीटर्स ऑफ द टेस्ट आर वेरीड, इन सम केसेस द रैट इज प्लेस्ड इनटू द वाटर एट अ नोवल लोकेशन, इन अदर्स द रैट इज प्लेस्ड एट द ओरिजिनल लोकेशन बट द प्लेटफॉर्म इज मूव्ड, या तो प्लेटफॉर्म की लोकेशन चेंज कर दी गई या जो है वो रैट की लोकेशन चेंज कर दी गई। अब डायग्राम ए और डायग्राम बी में देखिए, ये एक्स जब रैट की लोकेशन चेंज की गई तो प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पे मौजूद है जहां पे उसने पहुंचना है, जहां पे उसको ट्रेन किया गया, तो रेड पोजीशन चेंज होने के बावजूद क्योंकि उसके माइंड में एक मैप बिल्टेड है, मैप मौजूद है, तो बड़ी आसानी से अपने प्लेटफॉर्म तक, अपने टारगेट एरिया तक पहुंच जाता है।
लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की यानी प्लेटफॉर्म की उसकी डेस्टिनेशन की जगह ही आपने चेंज कर दी तो क्या होगा कि उनको प्रॉब्लम पेश आई। आप देख रहे हैं, इट्स द रैट विल सर्च द एरिया इन विच इट हैड बीन ट्रेन्ड। यहाँ पे उसने ज्यादा सर्चिंग की क्योंकि उसके कॉग्निटिव मैप्स या उसके माइंड में जो मैप बिल्ट हुआ था उस प्लेटफॉर्म का, उसके अकॉर्डिंग इस प्लेटफॉर्म को इस एरिया में होना चाहिए एंड बिफोर इवेंचुअली लोकेटिंग इट्स न्यू पोजिशन। लेकिन अल्टीमेटली वो दूसरी सेंसेस को यूज करते हुए जो उसकी पोजिशन है चेंज पोजिशन उसको भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे रेट्स अपने कॉग्निशन को अपने थॉट को यूज करते हैं प्लेटफॉर्म की शेप उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो उन्होंने मेमोराइज की होती है उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने टारगेट एरिया पे पहुंचते हैं। कॉग्निटिव मैप्स के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस स्टडी दिया गया जिसको हम कॉमनली ऑब्जर्व भी करते हैं, स्पेशली वो लोग जो पिजन्स में इंटरेस्ट रखते हैं। यू नो वेरी वेल कि पिजन्स का जो होमिंग बिहेवियर है वो आफ्टर लॉन्ग फ्लाइट्स भी अपने जो होमिंग साइट है जहां पे इनको रखा जाता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम और सक्सेसफुली उस साइट पे वापस पहुंचते भी हैं। रेसिंग एंड होमिंग पिजन्स आर रेगुलरली टेकन बाय देयर ओनर्स टू रिलीज साइट्स सेवरल हंड्रेड माइल्स फ्रॉम देयर होम्स होम लॉफ्ट्स। लेकिन इसके बावजूद अमेजिंगली द वास्ट मेजोरिटी ऑफ दीज बर्ड्स आर एबल टू क्विकली रिटर्न होम विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी दैट दे अंडरटेक। ये एनिमल्स में बाकायदा कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं पिजन्स में कि अगर दूर ले जाकर इनको छोड़ा जाए तो फिर भी अपने जो होमिंग साइट है जहाँ पे ये रह रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और पहुंचते हैं। अ गुड बर्ड कैन होम अ डिस्टेंस ऑफ 1200 माइल्स इन जस्ट 2 डेज गिवन द राइट वेदर कंडीशन। कि 2 दिन के अभी जो फ्लाइट का टाइम पीरियड है उसको भी वो कवर करके तो अपनी एग्जैक्ट होमिंग साइट या एग्जैक्ट जो प्लेस है वहां पे पहुंच सकते हैं। फॉर रिलीज बर्ड्स हाउ टू फाइंड होम इज अ 2 स्टेज प्रॉब्लम। दो तरह से करते हैं। नंबर वन, दे हैव टू डिटरमिन देयर करंट पोजिशन एंड देयर पोजिशन इज रिलेटिव टू द होम। फॉर दिस अ मैप इज नीडेड। देन हैविंग डिटरमिन देयर डेस्टिनेशन दे नीड टू नो विच डायरेक्शन टू फ्लाई एंड हाउ फार टू फ्लाई। फॉर दिस दे नीड कंपस एंड मीन्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। इसका मतलब उनको एक तो मैप चाहिए और दूसरा कंपस। जाहिर है फिजिकल मैप या फिजिकल कंपस तो उनके पास नहीं होता, लेकिन वो अपनी कॉग्निशन को अपने थॉट्स को एज अ मैप और एज अ कंपस यूज करते हुए जो उनकी टारगेटेड डेस्टिनी है उनका जो होम है वहां तक पहुंचते हैं। हाउ डू दे यूज द कंपस? अ क्लॉक एंड अ कंपस। बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस इट सीम्स highly likely that the position of the sun is used by pigeons as a compass. कि ज्यादातर जो pigeons हैं वो sun को as a compass use कर रहे होते हैं। Just look at this, जो pigeon है इसकी suns की position को identify करते हैं। Natural operation of sun compass के morning में उसकी जो rotation है उसके according operation in a pigeon in which the circadian clock is entrained to be 6 hours off. मेडिसिनल या केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू अगर उसका सर्केडियन क्लॉक डिस्टर्ब कर दिया गया 6 आवर्स तो देखें उसकी जो डायरेक्शन थी साउथ की बजाय वो ईस्ट की तरफ है। यानी जो 6 आवर्स हैं उसको उसके सर्केडियन क्लॉक ने अगर डिटरमिन नहीं किया वो किसी वजह से ऑफ है तो वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और उसकी डायरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। इट मीन्स जो सन की पोजिशन है उसके साथ साथ बर्ड्स के अंदर इंटरनली हार्मोन रेगुलेटेड जो है वो एक मैकेनिज्म है जो इस सर्कैडियन रिदम को आइडेंटिफाई करती है और फिर उनकी फ्लाइट में मैप बिल्डिंग एबिलिटी में उनको हेल्प करेगी। सेकंड जो वे है पिजन होमिंग बिहेवियर, अ क्लॉक एंड अ कंपस। कंपस की बात हो रही है, दैट डजंट मीन दैट पिजन्स आर अनएबल टू होम ऑन अ क्लाउडी डे और एट नाइट। लेकिन ये भी देखा गया कि अगर क्लाउडी डे या नाइट हो तब भी जो है वो अपने होम को फाइंड आउट कर लेते हैं। So it would seem that they are able to derive compass information from a variety of other directional cues. ये सिर्फ सन ही एनफ नहीं है, दूसरे भी क्यूज है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक स्टॉर्म्स एडवर्सली इफेक्ट होमिंग बर्ड्स एंड अटैचिंग अ मैग्नेट टू अ पिजन ऑन अ क्लाउडी डे इज सफिशियंट टू डिस्टर्ब इट्स होमिंग एबिलिटी। अगर पिजन के साथ मैग्नेट बाइंड कर दिया जाए या कुछ मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं, ये राइट साइड पे लिखा हो कि मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या चीज है। इट्स अ पीरियड ऑफ रैपिड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन ऑफ द अर्थ। बाज़ुकात अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती है और समटाइम ये कुछ आवर्स के लिए होती है, समटाइम
फॉर फ्यू डेज, तो इससे अगर अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब है तो ये भी आइडेंटिफाई किया कि तो जो इन बर्ड्स की होमिंग एक्टिविटी थी, जो इस मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करते हुए डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए थी, वो डिस्टर्ब होती है। या ये नेक्स्ट पेज पे देखिएगा आप लोग, बर्ड्स के साथ अगर मैग्नेट अटैच कर दी जाए तो ये देखा गया मैग्नेट अटैच करने के बाद भी बर्ड्स को अपनी प्रॉपर डायरेक्शन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स बाइंडिंग ऑफ एन एडिशनल मैग्नेट, इट मे चेंज, इट मे कॉज डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल मैग्नेट मैग्नेटोरिसेप्शन और मैग्नेटिक रिसेप्शन मैकेनिज्म। दिस ट्रीटमेंट इज डिजाइन टू डिस्टर्ब द बर्ड्स एबिलिटी टू रीड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर दिया जाए मैग्नेटिज्म को, तो जाहिर है जो पिजन रिलीज होंगे अपनी एक पॉइंट से स्पेसिफिक साइट से, वो अपनी डायरेक्शन प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। इट मीन्स कंपस के तौर पे पिजन्स क्या क्या यूज कर रहे होते हैं, एक तो नेचुरली सन की पोजिशन, सेकेंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो सेंस्ड बाय द पिजन्स। द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिज्म ऑन पिजन होमिंग, ये एक एक्सपेरिमेंट है इसको जो यहाँ पे शो किया गया है विद मैग्नेट्स एंड विदाउट मैग्नेट्स। पिजन्स वर रिलीज विद आइदर अ मैग्नेट और अ ब्रास बार ऑफ द सेम वेट ऑन देयर बैक। ऑन द सनी डेज द पिजन्स यूज द सन एज कंपस एंड होम एक्यूरेटली विद और विदाउट मैग्नेट। इस सनी डे में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो चाहे विद मैग्नेट की पोजिशन थी या विदाउट मैग्नेट, क्योंकि वो सन को एज अ कंपस यूज कर रहे थे तो आसानी से अपने जो है वो पॉइंट्स पे पहुंच गए। लेकिन क्लाउडी डेज में क्या हुआ कि आप देख सकते हैं विदाउट मैग्नेट तो उन्होंने डेस्टिनी फाइंड आउट कर ली है। इट मीन्स अगर जस्ट कोई और मटेरियल उनके साथ अटैच्ड है तो वो डिफरेंशिएट उसके अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन क्लाउडी डेज में देखें उनकी जो पोजिशन है होमिंग पोजिशन वो बहुत वेरी कर गई है। क्यों? ऐसा इसलिए है कि उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आर्टिफिशियली डिस्टर्ब किया गया। मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करने से जो पिजन्स की कंपस केबिलिटी है वो डिस्टर्ब होगी। तो ये कंपस के हवाले से उन्होंने बताया कि इसमें मैग्नेटिक सेंस उनकी इन्वॉल्व है। सेकंड कंपोनेंट पे आते हैं, दैट इज द यूज ऑफ मैप्स, कि मैप्स को कैसे यूज किया जा रहा होता है। Birds that are clock shifted in the manner described above, then released at a site at which they are familiar, make less of an error in terms of the direction of flight. They would be predicted if the only information they utilized was that derived from their compass sense. मतलब बाकी landmarks को भी वो use करेंगे as a map. बाकी जो symbols होती हैं उनके homing site के करीब उनको भी वो use कर रहे होते हैं. These birds are able to take an account information from a range of other inputs, which considered together must form the map that animal uses to navigate. It means sirf magnetic sense ya circadian rhythm, ye external sun clock use nahi ho raha hota in birds ke andar, uske sath sath ye ek map bhi build karte hain by finding different landmarks around their homing site. There is evidence that pigeons are able to make use of visual features in the landscapes to guide them home. Aksar जो पिजन्स हैं वो रात को भी वापस आ जाते हैं, तो उसके लिए वो यूजुअली जो ऑनर्स होते हैं उन्होंने सेट किए होते हैं कुछ लाइट्स या कुछ इस तरह का सिस्टम, लाइट्स के जो अरेंजमेंट है एरे है जिसको पिजन ने मेमोराइज किया होता है एक्चुअली। दिस इज पर्टिकुलर द केस इन द विसिनिटी ऑफ द लॉफ्ट एंड एरिया विद विच दे आर इंटीमेटली फेमिलियर, उसको थोड़ा सा हाई लोफ्टेड एरिया होता है जहाँ पे पिजन्स को रखा गया होता है ताकि वो अपनी रेस्टिंग साइट होमिंग साइट उसको आइडेंटिफाई कर सके। और मेजर वो कह रहा है कि इसमें विजुअल लैंडमार्क्स ही यूज हो रहे होते हैं। सम एविडेंस पॉइंट्स टू द पैटर्न्स ऑफ इंफ्रासाउंड एज अ पोटेंशियल मैप, कि कुछ इंफ्रासाउंड भी यूज हो रही होती हैं। पिजन्स कैन हियर दिस अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी क्यूज दैट रेडिएट फ्रॉम स्टीप साइडेड टोपोग्राफिक फीचर्स एंड आर जनरेटेड कंटीन्यूअसली बाय द इंटरफेरिंग ओशियनिक वेव्स। इसका मतलब है पिजन्स जो थोड़ी बहुत साउंड फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो रही होती है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी उसको भी एज अ कंपस सॉरी एज अ मैप सोर्स यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट थ्री मेजर पिजन रेसेस पिजन स्पीशीज हैव बीन डिस्रप्टेड अंडर स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस रिसेंटली, एंड जोनाथन हैंगस्ट्रम ऑफ द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, ये राइट साइड पे शोन है इनकी पिक्चर, हैज सजेस्टेड डिस्रप्शन ऑफ द बर्ड्स इंफ्रासाउंड मैप बाय द सोनिक बूम्स ऑफ पासिंग कॉनकॉर्डे प्लेन्स इज अ पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन। आपने सोनिक बूम्स का सुना होगा कि जब ये प्लेन्स किसी साउंड बैरियर को क्रॉस करते हैं तो एक थंडरिंग साउंड जो है अच्छी खासा एक ब्लास्ट साउंड प्रोड्यूस होती है।
और उससे वो देखा गया कि बर्ड्स की जो अल्ट्रासोनिक, जिस हम जो बात कर रहे थे कि बर्ड्स जो है वो साउंड्स को भी रिसीव करते हैं, तो उनकी साउंड को डिटेक्ट करने की एबिलिटी अगर वो इफेक्टेड होती है उस पर फर्क पड़ता है, तो बर्ड्स की जो होमिंग एबिलिटी है उस पर भी फर्क पड़ेगा। ये अल्ट्रासोनिक बूम जो है वो साउंड बैरियर को जब क्रॉस करते हैं उसी के हवाले से जो एक्सप्लोजन एक्सप्लोसिव नॉइस प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं सोनिक बूम। ये शोन भी है यहाँ पे पिक्चर में। इसके बाद बेटा मैप के हवाले से बात की गई, हमें द मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस फॉर द बेसिस ऑफ द पिजन्स मैप इट रिलेट्स टू द बर्ड सेंस ऑफ स्मेल, कि बर्ड्स ना सिर्फ साउंड को बल्कि स्मेल को भी यूज कर रहे होते हैं। पिजन्स दैट हैव बीन स्मेल ब्लाइंडेड बाय आइदर स्वेयरिंग द ऑल्फैक्ट्री नर्व, अगर ऑल्फैक्ट्री नर्व को कट कर दिया गया किसी तरह से, या टेम्पररली केमिकल यूज करके उसको एनेस्थीसिया दे दिया गया कि उनके रिसेप्टर्स पे केमिकल्स लगने और वो स्मेल ना कर सके। These birds can roam over small distances, presumably because in this situation they use local landmarks. Similarly, birds they have been raised in a loft that has been fitted with baffles to deflect the flow of air into by 90 degree. अगर इसको air के flow को disturb किया गया या air के flow को change किया गया तो उसकी जो you कह लें smell जो थी उस nest की या उनकी homing area की अगर वो change होती है तो उससे भी उनकी नेविगेशन पे असर पड़ेगा, उनका मैप डिस्टर्ब होगा। As further evidence accumulates, one thing is clear, the amazing ability of pigeons to find home depends upon a complex interplay of number of factors, smell, sound, landmarks, इसके अलावा circadian rhythms internally जो compass के तौर पे यूज हो रहे हैं, ये externally इसमें जो factors हैं sun की position या use of magnetoreception, ये different senses को use करते हुए आमतौर पे जो pigeons हैं अपनी होमिंग साइट पे आसानी से पहुंच जाते हैं। बट वी स्टिल नीड टू लर्न अबाउट स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस इन होमिंग पिजन्स, कि उसमें और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेजर फैक्टर्स जो अभी तक एक्सप्लोर किए गए हैं जिसकी वजह से पिजन्स जो है वो ऑलमोस्ट बड़े बेहतरीन होमिंग जो है वो बिहेवियर को शो करते हैं, दे इंक्लूड यूज ऑफ कॉग्निटिव मैप्स, जिसमें हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट सेंसेस को यूज करते हैं। सो नेविगेशन कैन बी ब्रॉट इन वेरियस वेज, इसमें आपने इस पूरे स्लाइड के पोर्शन में आपने फोर वेज पढ़े हैं नेविगेशन के हवाले से, ट्रेल लिंग, देन डेड रेकनिंग, द नेक्स्ट वन वॉज यूज ऑफ लैंडमार्क्स, एंड देन कॉग्निटिव मैप्स विच आर कॉम्प्लेक्स इन द केस ऑफ बर्ड्स, कि उसमें वो मल्टीपल फैक्टर्स को यूज कर रहे होते हैं टू फाइंड आउट देयर वे और टू नेविगेट थ्रू आउट।